नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वॉल में ऐप लॉक गो एप्लीकेशन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि ऐप लॉक गो एप्लीकेशन को अपने वॉल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और दोस्तों इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद आप अपने मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशन पर आप सिर्फ एक क्लिक में आप लॉक सेट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपने मोबाइल की गैलरी के फोटोज़ और वीडियोज़ को आप इस एप्लीकेशन में हाइड कर सकते हो। तो गाइज़ अगर आप भी जानना चाहते हो कि ऐप लॉक गो एप्लीकेशन को हम अपने मोबाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो गाइज़ आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से कर देना, और गाइस आपको ऑल पर सेट कर लेना है। इससे आने वाली हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो कि ऐप लॉक गो एप्लीकेशन को हम अपने मोबाइल में कैसे यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले गाइस आपको प्ले स्टोर से ऐप लॉक गो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इसे ओपन करना है। और दोस्तों जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो गाइज आपके सामने इस एप्लीकेशन का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अलाउ परमिशन पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन की परमिशन को यहाँ पर आपको एनेबल कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ऐप लॉक ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको परमिशन को इनेबल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टाइम वेट करना है, यानी कि गाइज 4-5 सेकंड वेट करना है, और यहाँ पर आपको एक्सेप्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, और इसके बाद फिर से आपको अलाउ परमिशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऐप लॉक की ऑटो स्टार्ट सेटिंग को यहाँ पर आपको इनेबल कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, और इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड और पैटर्न आपको जो है सेट कर लेना है। दोस्तों जब भी आप अपने मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशन पर लॉक सेट करोगे इस एप्लीकेशन के थ्रू, तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड और पैटर्न जो है यही से सेट कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप जो है पैटर्न लॉक सेट करना चाहते हो तो सिंपली आपको स्विच टू पैटर्न ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके अलावा दोस्तों आप पासवर्ड सेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो है पैटर्न सेट कर लेता हूँ। तो गाइस आप जो भी पैटर्न लॉक सेट करना चाहते हो यहाँ पर आपको अपना पैटर्न डाल देना है। गाइस आपको जो है 2 बार पैटर्न डालने के बाद आपको जो है पैटर्न लॉक कन्फर्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से परमिशन को इनेबल करना है। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना, और यहाँ पर आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन की परमिशन को अलाउ करने के बाद इस एप्लीकेशन का आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। और इसके बाद गाइस नीचे की और आपके वॉल में जितनी भी एप्लीकेशन है वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप जिस भी एप्लीकेशन पर लॉक सेट करना चाहते हो सिंपली गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर व्हाट्सअप ऐप पर लॉक सेट करना चाहता हूँ तो गाइस मैं यहाँ पर इस लॉक आइकन पर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट्सअप ऐप पर लॉक सेट हो चुका है। इसी तरह गाइस आप जिस भी एप्लीकेशन पर लॉक सेट करना चाहते हो यहाँ से गाइस आपको इस लॉक आइकन पर क्लिक करना, और गाइस यहाँ पर जो है लॉक सेट हो जाएगा। तो गाइस मैं यहाँ पर जो अपने मोबाइल की एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करके देख लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर वाइज व्हाट्सअप पर जो है लॉक सेट कर रखा है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो प्ले स्टोर पर यहाँ पर जो है लॉक सेट हो चुका है, और जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर पैटर्न डालूंगा तो यहाँ पर जो ये अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप ऐप लॉक एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपने मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशन पर आप लॉक सेट कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपने मोबाइल की गैलरी के फोटोज़ और वीडियोज़ को अगर आप हाइड करना चाहते हो तो गाइस इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने जो भी पैटर्न डाला था यहाँ पर आपको पैटर्न को डाल देना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ऊपर की ओर वॉल्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना, और जैसे ही दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको अपनी गैलरी की परमिशन को यहाँ पर आपको अलाउ करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है प्लस आइकन पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फोटोज, वीडियोज, एप्स, ऑडियो फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। गाइस आप अपने मोबाइल के गैलरी के फोटोज, वीडियोज, ऑडियोज, एप्स को हाइड करना चाहते हो तो गाइस इस एप्लीकेशन की मदद से यहाँ पर आप हाइड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर फोटोज ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। और गाइस आप जिस भी फोटो को हाइड करना चाहते हो सिंपली यहाँ पर आपको अपनी फोटो सेलेक्ट करनी है। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको मूव टू वॉल्ट ऑप्शन पर क्लिक करना, और इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर जो है हाइड हो जाएगी। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फोटोज है वो एप्लीकेशन में यहाँ पर जो है ऐड हो चुकी है, और गाइस यही फोटो गैलरी से हाइड हो चुकी है। तो गाइस कुछ इस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपने मोबाइल की गैलरी के फोटोज और वीडियोज़ को आप हाइड कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप वीडियोज़ को हाइड करना चाहते हो तो गाइस प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और गाइस आप अपने मोबाइल की गैलरी में से जिस भी वीडियो को आप हाइड करना चाहते हो सिंपली यहाँ पर आपको अपनी वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको जो है मूव टू वर्ल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और गाइस आपने जो भी वीडियो सेलेक्ट करी है वो वीडियो यहाँ पर इस एप्लीकेशन में ऐड हो चुकी है। जी गाइस आप देख सकते हो ये और वीडियोज में यहाँ पर जो है वीडियो ऐड हो चुकी है।
तो गाइस कुछ इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके यहाँ से आप अपने मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशन पर आप लॉक सेट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप अपने मोबाइल की गैलरी के फोटोज़ और वीडियोज़ को आप इस एप्लीकेशन में हाइड कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन में जंक फाइल क्लीनर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल में ऐप लॉक गो एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना।